भरा नमस्कार। रेनेटस वेलनेस की दुनिया का ये एक ऐसा ट्रेनिंग आज होने जा रहा है जिस ट्रेनिंग को आप रियल में एहसास कर पाएंगे कि जो आपने एक साल में जिस कामयाबी को शायद अर्जित ना किया हो वो मुमकिन है कि पांच दिनों में सर के सिखाए गए सारे सिद्धांतों का अनुपालन आप कर पाएंगे, सर के बताए गए सारी रणनीतियों का आप अनुपालन कर पाएंगे आज के आज। क्या आप तैयार हैं? क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं? मैं कमेंट का ऑप्शन में देखना चाहूंगा कि आप किस हद तक एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, किस हद तक आपने अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर लिया है। अब तक 746 लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं? कमांडो ट्रेनिंग, एक लाइन लिखा गया है, ऑल रेनोवियंस आर कमांडो। क्यों ये सारे लोग कमांडो? कमांडो का जिक्र क्यों है? याद रखिए, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का सैनिक, किसी भी राज्य का कमांडो खुद के लिए नहीं जीता। कमांडो शब्द उसी के लिए है जो अपनी जिंदगी को किसी की मदद करने के लिए निछावर करने को भी तैयार हो, वक्त हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, वक्त हालात परिस्थितियों को गुलाम बनाने की एबिलिटी रखता हो, वही कमांडो बन सकता है। जिसके अंदर निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद करने की चाहत हो और करने की क्षमता हो, वही कमांडो हो सकता है। और रेनेटस वेलनेस की दुनिया में मैनेजमेंट से लेकर एक एक रेनोवियन तक सारे के सारे कमांडो है, मैं ये गर्व से कह सकता हूं। क्योंकि जब 3 जुलाई 2018 को इसकी नींव रखी गई थी, उस वक्त लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के कॉम्पोजिशन पे कार्य करने वाली कंपनी पूरे भारत वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के टैगलाइन से होकर गुजर जाएगी विद इन 3 ईयर्स। ये बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों के लिए, लोगों की मनस्थिति को ये कनेक्ट नहीं कर पाता था कि एक प्रोडक्ट वाली कंपनी इस हद तक कार्य को संपन्न कर पाएगी। और हैरानी की बात, बगैर डिस्ट्रीब्यूटर को बेड़ियों में जकड़े हुए, क्योंकि भारत में बहुत सारी कंपनियां रही हैं 1996 से लेकर आज तक की बात करी जाए, 4173 कंपनीज का आंकड़ा रहा है अगर और डेटाबेस को खंगालेंगे आप तो। बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां सपने दिखाकर चली गई, लेकिन रेनेटस वेलनेस ने पूरे भारतवर्ष को यह मैसेज दिया कि अगर आप सपने देखने की काबिलियत रखते हो तो आपके सपनों को पूरा कराने के लिए हमारे एक एक रेनोवियन है और हमारे एक एक रेनोवियन कमांडो है। क्योंकि यहां पर ज्वाइन करने के साथ में कभी भी आपको बेड़ियों से जकड़ा नहीं जाता, यानी कि हर महीने झोला उठाकर सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। यहां पर कंपनी का सिद्धांत यही कहता है कि पहले बेहतर तरीके से आप सीख लीजिए, बेहतर तरीके से सीख लीजिए। और जैसे ही आपने बेहतर तरीके से सीख लिया तो जिन्हें आपने सपने दिखाए हैं ना, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। इसका सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? जिन सपनों को आपने खुद देखा है, जिन सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्य निष्ठ होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करना प्रारंभ किया है आपने, एग्जैक्ट वही सपने आपके टीम वालों ने देखे हैं और उनके सपनों को पूरा कराने के लिए आप किस हद तक खुद को झोंक सकते हैं, यही इसके कामयाबी की प्रारूप है। यही रीजन है 3 साल 154 करोड़पति। 3 साल परिस्थितियां कुछ भी रही हो, जरूरत से ज्यादा लोग उन सपनों को पूरा कर पाए जिन सपनों की परिकल्पना उन लोगों ने भी नहीं की थी जिन लोगों ने सपने देखे थे। तो किन रास्तों पर चलकर इस मकाम तक लोग पहुंचे हैं, मैं 5 से 6 मिनट में इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और उसके बाद हिंदुस्तान की आन बान और शान, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को अपने ही अंदाज में लिखने वाले, रचने वाले रेनेटस वेलनेस की शान कहे जाने वाले दिग्गज गुरतेज सिंह जी से आपका एक कह सकते हैं कि आज मुलाकात होनी है आपकी तय, और यह मुलाकात बेहद खास है। और इनसे मिलने के बाद आपका रोम रोम कह रहा होगा कि काश मैंने 2 महीने 3 महीने पहले वो एक्शन प्लान तैयार कर लिया होता जिस एक्शन प्लान के बारे में सर ने मुझसे जिक्र किया, काश 6 महीने पहले मैं उसी अंदाज में टिक चुका होता रेनेटस की दुनिया में तो शायद आज मेरी जिंदगी में कुछ और होता।
आज इनकी एक एक लाइन को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के आंखों से अश्क भी गिरेंगे और आप खुद को कह पाएंगे कि मैं आज किस दलदल में इतने सालों से फंसा हुआ था कि 5 साल 10 साल 15 साल कहीं काम करके मैं लाखों रुपए भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं और रेनेडस वेलनेस की दुनिया में इस मकाम तक लोग पहुंच गए। इतने सिंपल तरीके से कि सारी चीजें आपको महसूस होने वाली है। तो लगभग 1800 लोग जुड़ चुके हैं पूरे भारतवर्ष से, 1855 लोग। एक मदद करेंगे आप मेरी, मैं एक दरख्वास्त करता हूं आपसे कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं देखता हूं कितने लोग दिल से रेनेडस वेलनेस की दुनिया से मोहब्बत करते हैं। कमिटमेंट करिए आप मुझे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, यस और नो? कमेंट ऑप्शन इज ऑन, कमेंट ऑप्शन खुला है, आप हमारी मदद करेंगे। आपका ऋषिकेश पाठक आपसे एक आग्रह कर रहा है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? क्योंकि मैंने बताया कमांडो ट्रेनिंग आज तक 139 संपन्न होने वाली है, 138 कमांडो ट्रेनिंग पे ये भारी है, आखिरी कमांडो ट्रेनिंग कह सकते हैं आप। गुरतेज सिंह जी की इस साल की आखिरी ट्रेनिंग है और सारे कमांडो ट्रेनिंग्स की रिकॉर्ड टूटने वाली है आज के दिन। क्या आप मेरा साथ देंगे? यही तो रीजन है कि आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है ये ऋषिकेश पाठक और जिंदगी के आखिरी क्षण तक पूरे विश्व में रेनेटस के साख को स्थापित करने का प्रयत्न करता रहूंगा, ये मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं। और आप लोगों ने ये ललकार दिखाकर मुझे ये और ताकत से मुझे भर दिया है। बस एक मदद कर दीजिए, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और जहां जहां ग्रुप्स हैं, आज जीवन में पहली दफे लाइव ट्रेनिंग में मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं और जितने लोग आप हैं, 2100 लोग हो गए, इंस्टेंट सारे के सारे ग्रुप में फॉरवर्ड करिए और अपना वॉइस मैसेज टाइप करिए उस ग्रुप में जाकर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की ट्रेनिंग तू छोड़ना मत मेरे भाई, इतना लाइन आपसे बोल दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, रॉकिंग रेनेटस, इतना ही एक्साइटमेंट के साथ जो लाइन मैंने बोला है ना, सिर्फ यही लाइन कॉपी पेस्ट, अभी नहीं तो कभी नहीं, रॉकिंग रेनेटस, सिर्फ इतना लाइन आपको दोहराना है। मैंने क्या बोला? अभी नहीं तो कभी नहीं, रॉकिंग रेनेटस, ज्वाइन नाउ, ऐसे करके सारे ग्रुप में मैसेज डालिए। 10 सेकंड का मैसेज, आपका 10 सेकंड का मैसेज पूरे भारतवर्ष को आज आपकी ताकत से रूबरू कराएगा। यह रेनेडस की ताकत का प्रदर्शन नहीं है, यह आपकी ताकत है, यह आपकी शक्ति है, आप रेनोवियंस की ताकत है। मैं बस यही कहूंगा, शेयर करिए, शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद सारे ग्रुप्स में एक वॉइस मैसेज अपनी आवाज में आप छोड़िए, अभी नहीं तो कभी नहीं, रॉकिंग रेनेडस, ज्वाइन नाउ, यह जरूर लिखना है आपको। अरे कमेंट में अभी नहीं तो कभी नहीं नहीं लिखना है, शेयर करके व्हाट्सएप के चैट पे जाइए, हर जगह पे ऑप्शन होता है आपके पास शेयर करने का, हर मोबाइल में ऑप्शन है, और फिर वापस यूट्यूब पे आ जाइए आप। इसके लिए मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देता हूं, 40 सेकंड, और इसके बाद मैं 5 से 6 मिनट की प्रेजेंटेशन दूंगा शॉर्ट में। 6 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद हमारे दिग्गज गुरतेज सिंह जी हम सभी के समक्ष होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपने ये कार्य कर दिया होगा और इस कार्य को आपने संपन्न कर दिया होगा। अब मैं आता हूं ट्रेनिंग पे। 3 साल में इतने अचीवर्स कैसे बने? सिर्फ इस बॉटल की बदौलत, फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ का कॉम्पोजिशन। और ये कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट की कंपनी बनकर नहीं रह गई,
इसने भारत के इतिहास में पहली दफे तीन ऐसे यूनिक प्रोडक्ट को डिजाइन किया जिसमें मैगोस्टीन इसका मेन बेस इंग्रेडिएंट रहा, नोवास्टीन एलोस्टीन, डिफरेंट तरीके से तैयार किया गया फार्मूला, कहीं एवोकाडो का कॉम्पोजिशन तो कहीं एलोवेरा का कॉम्पोजिशन, इन संरचनाओं की बदौलत इसने अपनी नींव रखी है, बुनियाद रखी है, और बुनियाद इतनी स्ट्रांग है कि इस पे जब इमारत खड़ी होगी ना तो आप सपनों में भी परिकल्पना नहीं कर सकते कि आपकी फैमिली किस हद तक सिक्योर हो सकती है विद इन 5 to 10 years. जस्ट इमेजिन द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली, क्या हो सकती है आपके परिवार की जिंदगी सिर्फ इस सिक्योरिटी के बिना पर. मैंगोस्टीन पहला इंग्रेडिएंट, 9 ingredients में से पहला इंग्रेडिएंट मैंगोस्टीन, विटामिन B9 की संरचना है, ज़ेनोथॉन्स की संरचना है, सफेद दाग, स्किन से रिलेटेड किस प्रकार के चैलेंजेस, दांत खाद खुजली को क्योर करने की एबिलिटी रखते हैं ये इंग्रेडिएंट, क्योर करने की एबिलिटी रखते हैं. लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ये दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं, हम एक यूनिक फूड सप्लीमेंट आपके लिए डिजाइन करके लेके आए जिसके विटामिन मिनरल एंजाइम जो बेसिक नीड है बॉडी की, उस नीड को आइडेंटिफाई करते हुए अगर हम जिन पोषक तत्वों की कमी से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं अगर उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो सारी समस्याओं का निदान वहीं पर ऑटोमेटिकली हो जाता है. ऐसे ही हम लोगों ने विटामिन B6 की सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन, सियानिडिन, गामा लियोलेनिक के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन की बदौलत इंपोटेंसी, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, नाइट इमिशन, बाल्डनेस एंड थायराइड जैसी कंडीशन पे विजय प्राप्त करवाने की एक स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं मक्का रूट की बदौलत. और सबसे बड़ी बात है कि ये भी दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं. नेचुरल सप्लीमेंट का कॉम्पोजिशन, जैसे हल्दी दवा नहीं है, हल्दी दवा नहीं है, मैं फिर दोहराता हूं, लौंग दवा नहीं है, हल्दी दवा नहीं है, उसी प्रकार ये इंग्रेडिएंट्स भी दवा नहीं है. ये वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों में वो पोषक तत्व मौजूद हैं जिन पोषक तत्वों की कमी से आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. साइबेरियन जिनसेंग, विटामिन B12, विटामिन डी की सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस, घुटने से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर करने की एबिलिटी रखता है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम कैसा भी प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, एल्डरबेरी उसको क्योर करने की एबिलिटी रखता है, रसबेरी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, कूट कूट कर भरा हुआ है, और डेंगू की कंडीशन में जब प्लेटलेट डाउन हो रहा है उस वक्त ये बहुत ही सहायक की भूमिका अदा करता है. ब्लैक करंट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड के कॉम्पोजिशंस, गामा लियोलेन पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचनाओं के साथ अद्वितीय अकल्पनीय है, जो ट्यूबरकुलोसिस एंड पैरालिसिस में और डायबिटीज टाइप 2 में बहुत ही अच्छा कार्य करता है. और सबसे बड़ी बात है कि ये भी दवाइयां नहीं है. सॉर्चरी, सियानिडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड का नेचुरल कॉम्पोजिशन जो नेचुरल रेगुलेटर के तौर पर कार्य करता है. और सबसे बड़ी बात है कि ये भी दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं. गैनोडर्मा ल्यूसीडियम कैंसर, डायबिटीज, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर करने की एबिलिटी रखता है, और ये भी दवाइयां नहीं है. सिगरू 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है, विटामिन ए बी सी डी ई की सारी संरचनाएं मौजूद हैं, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन की संरचनाओं से ये लैस है, फिर भी ये दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं. ये वो 9 ingredients है जिन 9 ingredients के बदौलत सर के बाल से पैर के नाखून तक की सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है. यानी कि वो सारे पोषक तत्व इसके अंदर विद्यमान है जिन पोषक तत्वों की पूर्ति से आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो. और गलती से बीमार हो चुके हैं तो आपकी दवाइयों के साथ में ये एक सहायक की भूमिका अदा करके आपको उन बीमारियों से बाहर निकाल सकता है. जिस प्रकार दूध से आपको कैल्शियम मिलता है, हल्दी सुपर एंटीबायोटिक का काम करता है, उसी प्रकार ये सारी संरचनाएं आपकी मदद कर सकती हैं, सहायक की भूमिका अदा कर सकती हैं. कोरोना की कंडीशन में ये मल्टीविटामिन का कार्य करेगा आपके लिए. डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना विटामिन, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा. जुड़ने के लिए ₹1350 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, ₹1794 MRP है. 10 तरीके की इनकम, स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक का कॉम्बिनेशन, और यहां पर जुड़ने के साथ में बहुत ही अच्छी इनकम तक आप बहुत ही फास्ट पहुंच सकते हैं अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग. शुरुआती दौर में कमाया जा सकता है ₹1000 weekly भी. शुरुआती दौर में डायरेक्टर 250 बनकर थोड़ा मेहनत करके ₹2500 वीकली भी आप कमा सकते हैं. थोड़ा और मेहनत करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के फलस्वरूप, अपने अपलाइन के बताए गए सिद्धांतों के फलस्वरूप आप डायरेक्टर 500 बन जाते हैं. वहां पर भी आपके पास में ₹7800 लगभग कमाने का मौका मिलता है टीम डेवलपमेंट बोनस को इंक्लूड करके. डायरेक्टर 1000 पे ₹10000 weekly तक कमाने का आपके पास मौका होता है, और एग्जीक्यूटिव रैंक पे ₹30000 weekly तक आपके पास कमाने का मौका होता है. तो यहाँ पे भी मल्टीपल एडवांटेजेस हैं.
सीनियर एग्जीक्यूटिव पे 55,000 से 75,000 रुपए आपके पास कमाने का मौका मिलता है, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं रीजनल पे 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। ये सारी सारी की सारी इनकम्स आपके टर्नओवर पे बेस्ड है। ये लेवल की इनकम पोटेंशियल है जो आपके जुझारू टीममेट्स पे डिपेंड करती है कि उनको आपने किस प्रकार की शिक्षा दी है और उन शिक्षाओं के तहत किस हद तक उन्होंने परफॉर्म किया है। लाइट एग्जीक्यूटिव पे अगर एलिट के रैंक को देखेंगे 4 लाख से 5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं, ये इनकम पोटेंशियल है। लेकिन यहां पर भी बात आती है टर्नओवर पे। रातों रात ओवरनाइट सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है साहब। कर्म इंद्रियों को जागृत करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस। सीनियर एलिट एग्जीक्यूटिव 7 लाख 9 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। रीजनल पे 20 लाख से 25 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं। फाउंडर पे 25 लाख से 30 लाख भी कमा सकते हैं। और इन सारे रैंक के अचीवर्स को आपने सुना है, इसी चैनल पे सुना है, क्योंकि सभी को यकीन है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है, अगर हमारा प्रोडक्ट उच्चतम गुणवत्ता का है, तो दुनिया की आंखों में आंखें मिलाकर हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। यही रीजन है कि सिर्फ 3000 cc ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंबाइनिंग वे में कनेक्ट करने के बाद 90 दिनों का हम वक्त देते हैं, और शुरुआती दौर में ही लोगों को 5 स्टार का टेस्ट करा देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने होटल हयात With BCCI President and Brand Master of Renitus Wellness, सौरभ गांगुली जी के साथ में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। हम लोगों ने लोगों को एहसास कराया, रियल में फील कराया कि जिंदगी जीने के जज्बे कैसे हो सकते हैं, जिंदगी का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है। जिंदगी में बड़े सपने लेने के लिए अगर आपने अपने समक्ष उन दिग्गजों को देखा जिन्होंने जीवन में सपनों को कनेक्ट करके सपनों की ताकत के बदौलत अभूतपूर्व कामयाबी को अर्जित किया है, यह हम रिट्रीट में ही लोगों को एहसास करा देते हैं। हमने 45,000 cc के साथ में अभी जहां लॉकडाउन में कंपनियों ने, हजारों कंपनियों ने बहाने बनाए, हम ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। रेनेटस वेलनेस ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वक्त हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, वक्त हालात परिस्थितियों को तो हमने मात देकर ही इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है। हम यकीनन रिट्रीट लेकर जाएंगे। और दुबई का सबसे धमाकेदार रिट्रीट ऑर्गेनाइज हुआ 3 नाइट 4 डेज के लिए दुबई में। 154 लोग अचीवर्स पहुंचे। लोगों ने एहसास किया, लोगों ने संकल्पबद्ध होकर अपनी टीम को वहां लाने का प्रयत्न करना स्टार्ट किया वहां से आने के बाद। और लोगों ने महसूस कर लिया कि जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग प्लान तैयार करती हो, कंपनी चाहती ही तो किसी भी फ्लाइट में लेकर जा सकती थी, एमिरेट्स में ले जाने की हिम्मत चाहिए, वर्ल्ड क्लास लग्जरियस एंजॉयमेंट को फील कराने के लिए जिगरा चाहिए किसी कंपनी में। यह सारी चीजों को फील कराया दुबई में कंपनी ने। और अब अलमाटी यूरोप के बॉर्डर के करीब कजाकिस्तान की सरजमी पर अलमाटी एक जगह है जिसकी खूबसूरती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे ना ब्यूटी ऑफ अलमाटी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी योर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इफ यू वर्क हार्ड हियर इन रेनेटस वेलनेस। अगर आप मेहनत करते हैं और 1 साल मेहनत करते हैं, और अगर आपने किया होता तो आपको भी अलमाटी जाने का भी मौका होता जो मार्च से अप्रैल तक में हम करने वाले। तो ये सारी चीजें, साल में 4 डोमेस्टिक रिट्रीट, 2 इंटरनेशनल रिट्रीट के साथ भारत में आम इंसान को खास बनाने का संकल्प लिया है आपके रेनेटस वेलनेस ने, और आप सभी विजयी बनेंगे। कोई रोक नहीं सकता, वक्त हालात परिस्थितियां कुछ भी हो। तो आज जिस दिग्गज को आप सुनने आए थे, आपके इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है, और जिस दिग्गज को सुनने आए थे, मैं आप सभी के गर्जना के बीच आमंत्रित करता हूं हिंदुस्तान के किंग कहे जाने वाले नॉर्थ इंडिया के सरताज सरदार गुरतेज सिंह जी। सर अपने आप को आप अनम्यूट करें, पूरा भारतवर्ष झुककर आपका इस्तकबाल कर रहा है सर, स्वागत कर रहा है, आपका अभिनंदन कर रहा है सर। धन्यवाद सर। रॉकिंग रेनेटस नोवियंस, रॉक कर रहा है रेनेटस सर पूरे विश्व में। तो आवाज ठीक आ रही है सर मेरी? एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, हाँ जी
पाठक जी आवाज ठीक आ रही है? हेलो, हाँ जी, रॉकिंग इन नटस प्रोनोमियस। मैं आपका दोस्त गुरतेज बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूं, और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा ऋषिकेश पाठक जी का, जो कमांडो ट्रेनिंग को बहुत ही अल्टीमेट तरीके से निभा रहे हैं, जिम्मेवारी को अपने को। पूरे इंडिया से मेरे पास कॉल आते हैं कि जो शाम की कमांडो ट्रेनिंग होती है उसमें मजा आ जाता है सर सुनके। तो उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर तापसिप सुभाष, जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। और उसके बाद स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर स्मित देवनाथ जी सिलीगुड़ी से, और उसके बाद जिनको पूरा इंडिया दादा बोलता है, मिस्टर सुब्रत दत्ता जी, जिन्होंने टोटली मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। वैसे फ्रेंड, मैं पिछले काफी समय से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन जैसे नॉर्मल इनकम कमा रहा था, जो सपने थे वो पूरे नहीं कर पा रहा था। लेकिन जहां पे रिनर्स वेलनेस में, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, मिस्टर सुब्रत दत्ता जी का, और नेक्स्ट जिनको हम गॉड फादर मानते हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया को नेटवर्किंग करना सिखाया कि कैसे नेटवर्किंग होती है, हमारी कंपनी के फाउंडर लीडर मिस्टर विकास श्रीवास्तव। उसके बाद हमारी टोटली मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा, जो हमारा कंपनी का जो स्टाफ है, सबका मैं दिल से थैंक्स करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत आज हम बहुत ही अच्छे लेवल पे सभी नौवियां पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने स्टार्ट किया आने वाले साल में, दो साल में, तीन साल में इतना बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, खुद आप सोच नहीं सकते, राइट? तो फ्रेंड, मैं थोड़ा आपको अपने बारे इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हो सकता है कि कुछ दोस्त आज ऐसे जुड़े हों जो पहली बार जुड़े हैं, जिनको, है ना। तो फ्रेंड, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से पहले इलेक्ट्रिशियन का मिस्त्री था, और मेरे ब्रेन में स्टार्टिंग में एक ही बात थी कि जिंदगी में मैं बिजनेस करूंगा, जॉब के ऊपर मुझे इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए मैंने आठवीं पास करने के बाद मैंने स्टडी को छोड़ दिया, और स्टडी को छोड़ने के बाद जितनी मेरे को नॉलेज थी, गांव का रहने वाला हूं मैं, और मेरे पिताजी किसान थे और मजदूर थे, मजदूरी करते थे, बचपन में जो भी मेरे ड्रीम थे वो पूरे नहीं हुए, कुछ भी जो मैं सोचता था। हाँ, एक बात मैंने देखा कि जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। हमारे घर में सबसे जो छोटा बेटा था मैं था, और मुझे पूछा जाता था, बहुत अच्छा किया मेरे माता जी ने, मेरे पिताजी ने, कि आप गाड़ी कैसे चलाओगे, आपको मालूम है कि बच्चा कैसे बोलेगा गाड़ी चलाएंगे, ऐसे गाड़ी चलाएंगे, राइट? तो सपने पूछे जाते थे मेरे से, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए, और सपने देखने की आदत पड़ गई सी बचपन से। तो हुआ क्या, उसके बाद मेरे ब्रेन में था कि कुछ बिजनेस करेंगे, जो भी करें। तो उसके बाद मैंने स्टडी छोड़ दिया, मैं आठ ही पढ़ा लिखा हूं। आठ पढ़ने के बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, काम सीखने के बाद दुकान डाली, और जब मैंने दुकान के लिए पैसा मांगा अपने फादर से, मेरे फादर साहब क्या बोले कि अभी तू बच्चा है, अभी तेरी खेलने कूदने की उम्र है, तो मुझे पैसा नहीं दिया गया। तो जैसे तैसे करके थोड़ा सा पैसा जोड़ के मैंने दुकान की, और दुकान करने के बाद मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या होती है। थोड़ा सा मीटिंग देखने का मौका मिला, और जो शख्स मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में लेके आए, मिस्टर राजवीर सेखों जी, स्पेशली उनका मैं थैंक्स करना चाहूंगा। तो ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं आपको बताऊंगा, 20 साल लगातार नेटवर्क करते हुए मुझे हो चुके हैं, 20 सालों में बहुत से तजर्बे हो चुके हैं दोस्त, काफी बार ऊपर और काफी बार नीचे। और यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बुरी तरह फेल होना पड़ेगा, जी हमेशा याद रखिएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और आज से लगभग 3.5 साल पहले मेरी जिंदगी में
रीनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी आई और टोटली लाइफ को मेरे को चेंज करके रख दिया। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरी जो जिंदगी है वो 90 डिग्री के कोण के ऊपर घूम गए। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, जितने भी दोस्त आज जुड़े हैं आज के इस सेशन में जिन्होंने पहली बार ये कंपनी की है वो लकी हैं, इतने ज्यादा लकी है कि आप सोच ही नहीं सकते। हमें ये कम से कम 17.5 साल जब हो चुके थे मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में, उसके बाद इतना अच्छा प्लान, इतनी अच्छी मैनेजमेंट और इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला। आप लकी हैं कि आपको पहली बार इतनी अच्छी कंपनी मिली है। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो एक ही बात बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी का जो रहस्य है एक ही बात बता सकता हूं कि टिके रहिए। अगर आप टिके रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और आज की डेट में बहुत सारे दोस्त जो जूथ है हमारे इंडिया का, हमारे इंडिया की लगभग 140 करोड़ की आबादी है मान के चलो, 140 करोड़ की आबादी में जो 70% है वो जूथ है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज का जो जूथ है वो क्या करेगा? ना तो प्राइवेट नौकरी मिल रही है ना सरकारी नौकरी मिल रही है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके कैसे हालात हैं? हम छोटा मोटा बिजनेस कर पाएंगे, कोई छोटी दुकान ले पाएंगे, कोई छोटा शोरूम ले पाएंगे, तो बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं तो वो भी हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है हमारे पास? जॉब मिलती नहीं है। और लेकिन जो आज का यूथ है ना, उनके जो ड्रीम है बहुत बड़े बड़े ड्रीम है। आज का जो यूथ है क्या चाहता, वो मेरे पास कम से कम आईफोन तो होना चाहिए, ये सबसे छोटा ड्रीम है उनका, जहां से उनकी शुरुआत होती है। अच्छा मोटरसाइकिल होना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, ब्रांडेड शूज होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे शहर में मेरा मकान होना चाहिए, राइट? जो उनके ड्रीम है। लेकिन जब वो स्टडी करने के बाद मार्केट में जाते हैं, प्लस टू पास करने के बाद, बीए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, उनको जॉब क्या मिलती है? वो अच्छा आईफोन तो लेना चाहते हैं। आज की डेट में आईफोन की जो कीमत है मान के चलो 1.5 लाख रुपए, राउंड फिगर बोल रहा हूं, लेकिन उनको जो सैलरी बोला जाता है वो बोला जाता है 15,000 मंथली, 10,000 मंथली। मैं जो पूछना चाहता हूं आज से जूथ से कि वो कैसे अपने ड्रीम पूरे करेंगे? क्या जॉब करके अच्छे ड्रीम पूरे हो सकते हैं? किसी हालात में नहीं हो सकते। अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का जो यूथ है जब शहर में जाता है, ध्यान से देखिए, क्या वो एक दुकान के ऊपर जाता है या एक सिंगल शोरूम के ऊपर जाता है, जब वो मॉल में कुछ भी शॉपिंग करने के लिए जाता है? तो अगर वो मॉल में जाता है तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा? ना तो हम दुकानदारी कर सकते हैं, ना छोटा मोटा हम बिजनेस कर सकते हैं, ना हम प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, सरकारी जॉब तो मिलती नहीं है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि अगर हम नेटवर्किंग करें जहां पे लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी है, तो आपकी जिंदगी भी चेंज हो सकती है। हो सकता है आज की डेट में कोई दुकानदार हमारे साथ जुड़ा हो और अगर वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बुला तो नहीं सकता, लेकिन 1 घंटा एवरी डे निकाल सकता है एक प्लान करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। नेटवर्क करने से आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपका नेम एंड फेम हो सकता है, आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ही जज्बा आपके अंदर चाहिए। लोग आपको रोकेंगे कि जान ये काम नहीं हो सकता, उस टाइम पे आपने एक ही बात बोलनी है, उनके आगे नहीं बोलनी, घर पे आइए, शाम को थक के जब आप अपने घर पे आते हैं शीशी के सामने रुकिए और बोलिए ये काम हो तो नहीं सकता, लोग बोलते हैं, लेकिन ये काम मैं करके दिखाऊंगा, ये बात आपने बोली। इसके लिए ना तो पैसा चाहिए, ना ही दुकान चाहिए, ना बिजली का बिल पे आपको करना है, ना ही आपको स्टाफ रखना है,
कुछ नहीं करना, ओनली आपके अंदर एक जज्बा चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं। आप टारगेट ले सकते हैं कि मेरे शहर का जो सबसे बड़ा पे आउट होगा मेरा होगा, मेरे गांव का सबसे बड़ा पे आउट होगा जो मेरा होगा, मेरी स्टेट का सबसे बड़ा जो पे आउट होगा मेरा होगा, और मेरी कंट्री का सबसे बड़ा जो पे आउट होगा मेरा होगा। टारगेट आपका है, जितना बड़ा भी आप टारगेट लेना चाहते हैं उतना बड़ा टारगेट लेके आप जहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिशनल कारोबार करते हैं, कोई आप दुकान करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप सरकारी जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, वहां पे जो भी प्रॉब्लम आती है आप उसको हैंडल करते हैं, जो भी चैलेंज आता है आप उसको हैंडल करते हैं। लेकिन जब नेटवर्किंग में कोई चैलेंज आता है ना, तो अपलैंड के पास फोन पे फोन जाता है कि ये चैलेंज आ चुका है। अगर आप जिंदगी में 10,000 कमाना चाहते हैं तो भी चैलेंज आएंगे, 20,000 कमाना चाहते हैं तो भी चैलेंज आएंगे, 50,000 कमाना चाहते हैं तो भी चैलेंज आएंगे, और 50,00,000 कमाना चाहते हैं तो भी चैलेंज आएंगे। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में 50,00,000 कमाया जा सकता है एक मंथ का, 1,00,00,000 कमाया जा सकता है, 2,00,00,000 कमाया जा सकता है, 4,00,00,000 कमाया जा सकता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में जब चैलेंज आते हैं ना, तो ऐसा होता है ये चैलेंज क्यों आया, ये चैलेंज नहीं आना चाहिए था। आप देखिए कि आप 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, वहां पे भी चैलेंज आते हैं, जहां पे 10 गुना 20 गुना 50 गुना चैलेंज आपको आएंगे। पहले तैयार हो जाइए। जितनी बड़ी जंग होती है ना, जब आप उसको जीतते हैं उतनी बड़ी जीत होती है। एक आपको बात बताना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में दौड़ लगाना चाहते हैं, चूहों में दौड़ लगाएंगे जीत भी जाएंगे तो चूहा ही कहलाएंगे। अगर आप जिंदगी में शेरों के साथ दौड़ लगाते हैं जीत जाएंगे या हार जाएंगे मैटर नहीं करता, हार भी जाएंगे तो भी शेर तो कहलाएंगे ना, वो बाद की बात है जीते हैं या हारते हैं। लेकिन एक बार जिगरा तो लेके आइए कि शेरों में दौड़ लगाएं, राइट। तो जो नेटवर्किंग है ना, ये शेरों की दौड़ है फ्रेंड, आसान है, मजा आता है। जब आप जीतते हैं तो बड़ा गर्व होता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, जो आपको रोकते हैं, उनके रोकने से रुकिए मत। और एक बात बताना चाहूंगा, फेल होना कामयाब होना, ये हमारा जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे मैं शेर की बात कर रहा हूँ, जो शेर जब शिकार करता है ना, शिकार करने के टाइम पे शेर भी 10% ही कामयाब होता है, 90% वो भी फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शिकार तो करते ही है। ऐसी आपने अपनी जिंदगी में जज्बा बनाना है कि भाई शिकार तो करेंगे, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, करेंगे, लगे रहिए, लगे रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और एक आपको खुशखबरी बताना चाहूंगा कि जो भी हमारी कंपनी करती है हमारे हित के लिए करती है, मुझे गर्व है जो भी आने वाले टाइम में करेगी हमारे हित के लिए ही करेगी, राइट। जैसे कि अभी कल हमारी कमांडो ट्रेनिंग में ऋषिकेश पाठक जी ने हमें कुछ बताया था, और कुछ दोस्तों को वो समझ में आया, कुछ दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे कि सर ये ऐसे है ऐसे है। मैं पूरे इंडिया के जो आज रनोवियंस इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़े हैं, लैब ट्रेनिंग में जुड़े हैं, उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अभी हमारा प्लान जो चल रहा है वही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा हमारे फायदे के लिए कंपनी थोड़ा सा एड ऑन कर रही है। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी की जो कामयाबी है वो सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि मैंने एक टीम 2 और एक टीम 1, है ना। जैसे कि आज की डेट में हम बात करेंगे टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, जितनी भी हम लैग बोल सकते हैं, शुरू से लेके एंड तक मैंने अपनी दोनों लेगों के ऊपर काम किया। जब काम स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में 3-4 जितने भी लेग खोल सकते हैं, एक टीम 1 थी और एक टीम 2 थी, और मैं पूरे इंडिया के जितने भी रनोवियंस हैं, अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, अगर आप शेरों की दौड़ में दौड़ लगाना चाहते हैं, एक आपकी टीम 1 है, एक टीम 2 है, दोनों लेगों के ऊपर काम आप करना स्टार्ट करें। डिपेंड मात्र है किसी के ऊपर, डिपेंड रहेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। आज तक किसी भी नेटवर्क की बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हमारा जो सीनियर है
वो हमारे से ज्यादा काम ही करेगा। राइट, आप दोनों लेगों पे काम करेंगे, दोनों लेगों पे पकड़ रखेंगे तो आपका नेम एंड फेम ज्यादा होगा, आपके फैन ज्यादा होंगे और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। लेकिन एक लेग के ऊपर अगर आप पकड़ रखेंगे, एक लेग के ऊपर देखेंगे भी हाँ चल रहा है, जितना चल रहा है, कई बार ऐसा होता है एक लेग बड़ी हो जाती है उसके ऊपर आप पकड़ छोड़ देते हैं और जो लेग छोटी होती है उसके ऊपर पकड़ रखते हैं, लेकिन समय का कोई पता नहीं चलता कब आपकी टीम वन टीम टू हो जाएगी और कब आपकी टीम टू टीम वन हो जाएगी। राइट, ये समय बदलता रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोनों लेगों के ऊपर काम कीजिएगा। हमारा जो प्लान है ये जनरेशन प्लान है एक तरह का, ना कि किसी तरह का कोई मैचिंग प्लान या बैनरी प्लान है। राइट, दोनों लेगों में हमें रैंक क्वालिफाई करने होते हैं तभी हमें अगला रैंक मिलता है। जैसे कि बताना चाहूंगा, सबसे पहला जो हमारा रैंक है वो है एसोसिएट। एसोसिएट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ दिनों में, जैसे अभी चल रहा है कुछ दिनों में एसोसिएट बनने के लिए एक पर्सन आपके ट्री में टीम वन में, एक पर्सन आपके ट्री में टीम टू में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके ट्री में होना चाहिए तो आप एसोसिएट बन जाएंगे। उससे जो अगला रैंक का हमारा आता है वो है डायरेक्टर 100, और डायरेक्टर 100 बनने के लिए हमें एक पर्सन एसोसिएट हमारे टीम वन में, एक एसोसिएट हमारी टीम टू में होना चाहिए, हम डायरेक्टर 100 बन जाएंगे। और जब हम डायरेक्टर 250 बनते हैं, एक पर्सन डायरेक्टर अपने डायरेक्टर 250 बनते हैं, एक पर्सन हमारे टीम वन में हमारे ट्री में एसोसिएट और एक टीम टू में हमारे ट्री में एसोसिएट। ऐसे डायरेक्टर 500, ऐसे ही डायरेक्टर 1000, जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर 100, डायरेक्टर 250, डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 1000, आपको टीम वन और टीम टू में एक एक एसोसिएट निकालना है, इतना काम आपने करना है। ये स्टार्ट कब से होगा, ये जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि शुरू से ही हम अपनी दोनों टीमों के ऊपर ध्यान रखना स्टार्ट करें। ये होने जा रहा है, इसके ऊपर अभी से आप कवर करना स्टार्ट करें। और अगली मैं बात बताना चाहूंगा, शुरुआत में जब हम काम स्टार्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त आज ऐसे जुड़े होंगे जिनकी हो सकता है कि आज ही ज्वाइनिंग लगी हो सकता है एक मंथ पहले ज्वाइनिंग लगी हो, पहले उनके साथ मैं बात करना चाहूंगा। शुरुआत में जब हम काम करते हैं, हमारा सबसे पहला जो काम है वो है नेम लिस्ट। आप जितने भी दोस्तों को जानते हैं बिना झिझके सबकी एक नेम लिस्ट तैयार करेंगे, 200, 300, 400, 500 लोग, जितने लोगों को जानते हैं। और नेम लिस्ट तैयार करने के बाद अगला जो हमारा काम होता है वो होता है कॉन्टैक्ट करना। राइट, आप फोन मारेंगे उनको, कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे समय लेंगे प्लान करने के लिए। राइट, और जब आप समय लेंगे प्लान करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जैसे मान के चलो मेरे दोस्त हैं मिस्टर कलवीर सिखों जी, पड़ोस में रहते हैं। राइट, मैं उनके साथ बात कैसे करूंगा, कलवीर सिखों जी कल मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, कितने बजे मिलूं भाई, और मेरे दोस्त हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। अगर वो पूछते हैं भाई कौन है, तो आप किसी का भी नाम ले सकते हैं कि मेरे साथ तो भैया शाहरुख खान आ रहे हैं, उनके साथ मिलाना चाहता हूं। यार दोस्त तो आप मेरे मिलेंगे, चाय का कप पियेंगे बस, क्योंकि अगर आप बताते हैं कि कौन पर्सन आ रहा है, वो पूछेंगे वो कौन है, क्या करता है, फिर आप पूछेंगे सर वो तो रीनेडक्स वेलनेस में काम करते हैं, अच्छा वो क्या है, उसमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, 2700 रुपये लगेगा, दो मेंबर बनाने होते हैं, आप तो ऐसी बातें करेंगे, तो बोलेगा भाई मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यही बोलेंगे भाई मेरे साथ तो शाहरुख खान आ रहा है, उसके साथ आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, मेरे साथ तो आमिर खान आ रहा है, जो भी आपका पसंदीदा एक्टर है, वो कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता, नाम ले दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त अच्छा, उसको ऐसी बात आप कर सकते। राइट, जब आप उसके साथ मुलाकात करते हैं, घर में जाते हैं, उस टाइम पे आपने करना होता है शो द प्लान। जो शुरुआती होता है स्टार्टिंग में,
सबसे पहले हमें उसके साथ इंट्रो करानी होती है, इंट्रोडक्शन करानी होती है, राइट। इंट्रोडक्शन कराते समय आप एक चीज का ध्यान रखें कि जो आपका सीनियर है उसका कद ऊपर करना होता है, जिसको प्लान देना है थोड़ा सा उसको डाउन करना होता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं उस टाइम पे। हम जिसको प्लान दे रहे होते हैं उसको बोलते हैं, काश सर ये पर्सन हमारी कंपनी में आ जाता ना, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो तोड़ देगा। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना। आपने ये बोलना है कि ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर कुलवीर सिखो जी, राइट सर, ये भी मेरी तरह ही हैं, जो भी काम करते हैं है ना उनके बारे में बता सकते हैं, ये काम करते हैं, आपको मालूम है कि इस काम में कितना का पैसा बन सकता है, ड्रीम तो पूरे नहीं हो सकते, अगर आप अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर करेंगे तो इनके ड्रीम पूरे हो जाएंगे, है ना। तो अपने सीनियर का आप नाम ले सकते हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, फिर बोलिए सर इनको प्लान दीजिए अच्छे तरीके से। जैसे आपने मेरी लाइफ को चेंज किया, मुझे लगता है कि आने वाले एक दो साल में मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसे इनकी भी लाइफ चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ऐसे इंट्रो आप करा सकते हैं। उसके बाद प्लान करना होता है, तो प्लान अच्छे तरीके से करने के बाद राइट स्टार्टिंग होगी। अब प्लान तो आपके सीनियर हैं जो करेंगे, अच्छे तरीके से आप उनकी इंट्रोडक्शन करा देंगे। एग्जाम्पल देना चाहूंगा कैसे इंट्रोडक्शन कराएंगे। मान के चलो आपके जो सीनियर हैं उनका नाम है मिस्टर राज ए बी, जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर ये मेरे सीनियर हैं मिस्टर राज जी, और इनका जो रैंक है, जो भी रैंक है उनका, अगर डायरेक्टर 500 भी आपके सीनियर का रैंक है तो बोलिए इनका जो रैंक है बहुत ही अच्छा रैंक है डायरेक्टर 500। अब सामने वाले को कुछ नहीं पता डायरेक्टर 500 क्या होता है, वहां पे बहुत ही अच्छी इनकम होती है, चेक नहीं बताना, डायरेक्टर 500 की बहुत अच्छी इनकम होती है। सामने वाले को लगेगा अगर 50,000 अच्छी इनकम है तो लगेगा 50,000 तो कमाता होगा, अगर उसके ब्रेन में 25,000 अच्छी इनकम है तो उसको लगेगा 25,000 तो कमाता होगा, बहुत अच्छी इनकम ये कमाते हैं, बहुत अच्छा इनका नेम एंड फेम है। ऐसे आपने इंट्रोडक्शन उनकी करानी है, फिर वो प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण वो है क्लोजिंग। बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं सर मैं काम करता हूं फील्ड में जाता हूं लेकिन उतना बिजनेस नहीं आता जितना आना चाहिए, तो जो सबसे मेन काम है वो क्लोजिंग है। क्लोजिंग में जहां पे पैसा जेब से निकालना होता है हमने, तो जब आपने प्लान किया, आपके सीनियर ने प्लान किया, तो डायरी पकड़िए उनके सामने रखिए और पूछिए सर कैसा लगा प्लान। अगर ऐसा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक ठाक लगा। अगर पूछिए सर प्लान अच्छा लगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ सर प्लान अच्छा लगा, तो क्या चीज अच्छी लगी, तो आपने ये पूछना है। तो हो सकता है वो बोल सकता है कि सर मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मैं एक एक प्रोडक्ट करके भी 40 प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूं, तो आपने बोला क्या बात है सर, कितनी सोच मिलती है हमारी और आपकी, मुझे भी यही अच्छा लगा था इसलिए मैंने प्लान को स्टार्ट किया, तो ले आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस, राइट अब फॉर्म भरना स्टार्ट करें। अगर वो बोलता है कि मुझे सबसे जो बेस्ट लगा वो ये लगा कि आपके प्लान में किसी भी तरह की कोई अपनी आईडी के ऊपर रीपर्चेज करने की कंडीशन नहीं है, तो आप बोलिए सर आपके साथ मेरी सोच कितनी मिलती है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि हमारे प्लान में कोई कंडीशन नहीं है अपनी आईडी के ऊपर रीपर्चेज करने की, ना वीकली ना मंथली, तो स्टार्ट करते हैं काम। ऐसे आप क्लोजिंग करें, और क्लोजिंग के टाइम पे आप भले एक प्रोडक्ट दें, दो प्रोडक्ट दें, तीन दें, 50 दें, जो भी प्रोडक्ट दें, लेकिन खाली मत आए। खाली मत आए, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ दे करके ही आए। अब अगली बात आती है, जो आपका काम शुरू हो चुका है, आपका स्टेशन ओपन हो चुका है, यहां पे स्टेशन की बात और बताना चाहूंगा। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो 100 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। शुरुआती दिनों में जब आप स्टार्ट करें तो आसपास का एरिया जरूर स्टार्ट करें, लेकिन जब आप डायरेक्टर 500 बन जाते हैं, डायरेक्टर 1000 बन जाते हैं, तो आप क्या करें, 100 किलोमीटर के एरिया को क्रॉस करना स्टार्ट करें। क्यों, उसका रीजन क्या होगा, जब आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे प्लान करने के लिए, लोगों को मिलने के लिए, आपके मन के अंदर भी होगा कि आज कुछ बड़ा करें, मैं 100 किलोमीटर सुबह आया हूं, 100 किलोमीटर शाम को घर पे जाऊंगा, इतना पैसा खर्च करके आया हूं, तो आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा,
राइट, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमारे पास कोई रिस्क नहीं होता, ना तो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना शोरूम खोलते हैं, ना बिजली का बिल पे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा किराया लगा के जाएंगे, गाड़ी के ऊपर डीजल लगा के जाएंगे, तो आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा, भाई आज आए हैं कुछ करके जाएंगे। और सामने जो पर्सन आपके होगा वो भी ये सोचेगा कि ये पर्सन 100 किलोमीटर दूर से या 150 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर से आया है, तो कोई ना कोई बात तो है, तो वो बात सुनेगा आपकी, तो मजा आएगा आपको काम करने में। 100 किलोमीटर दूर जब आप जाते हैं तो बात सुनेंगे लोग, और आपके प्लान जब होंगे तो जेस का ज्यादा रिस्पॉन्स आपको आएगा नो सुनने के लिए, लोकल नो सुनने के लिए ज्यादा मिल सकते, जब दूर जाएंगे तो कम चांस होते हैं नो सुनने के। अगर आप 500 किलोमीटर चले जाते हैं, वहां पे 10 प्लान करते हैं, हो सकता है वहां से आप 5 जैसे लेके आए, लेकिन लोकल प्लान अगर आप 10 करते हैं वहां से हो सकता है 2 जैसे लेके आए, राइट। तो जितना दूर हम जाते हैं उतना ही बेनिफिट होता है। आज की डेट में तो पूरा इंडिया अगर हम बात करें खाली पड़े, बहुत सारे स्टेट आज की डेट में ऐसे पड़े हैं पूरे इंडिया में जो खाली हैं। आज मौका है हमारे पास भाई, बड़ा काम करने का मौका है, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए, फायदा उठाइए। और स्टेशन स्टार्ट कैसे होता है, कैसे उसके ऊपर काम होता है, जब आप किसी भी स्टेशन को स्टार्ट करते हैं तो एवरी 15 डे बाद, मैक्सिमम 15 डे, मैक्सिमम बोल रहा हूं 15 डे बाद आपका चक्कर वहां पे लगना चाहिए। एवरी 15 डे बाद आपका विजिट वहां पे होना चाहिए। या तो आप किसी स्टेशन को खोलिए मत, अगर खोलते हैं तो 6 मंथ के जो 12 चक्कर मिनिमम बनते हैं उनकी डेट एडवांस में फिक्स कर दें, वहां पे मुझे जाना है, फिर स्टेशन चल पाएगा। हो सकता है कि पहली बार जो आप स्टेशन खोलते हैं जब आप जाएं वो पर्सन आपको चाय पिला के तोड़ दे, किसी को नाम लाए, जब सेकंड टाइम जाएं तो लंच करा के तोड़ दे, नाम लाए, लेकिन जब आप तीसरी बार जाएंगे वो बंदा सोचेगा यार ये तो एवरी 15 डे बाद आता ही आता है, तो इनको तो पर्सन मिलाने पड़ेंगे, हो सकता है तीसरे बार आपको वो पर्सन मिलाए। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी स्टेशन पे जाते हैं वहां पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं जाते, और वो स्टेशन वाला जो पर्सन था वो भी यही बोलता है कि मुझे पता था ये दोबारा नहीं आएगा। तो 15 डे बाद जाके वन बाई वन प्लान करें, वन बाई वन प्लान आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ मैक्सिमम चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जल्दी आप होम मीटिंग के ऊपर आ जाइए। एवरी 15 डे बाद दोबारा फिर जाएं, वन बाई वन प्लान उसको करना सिखाएं और आप होम मीटिंग करना स्टार्ट करें। और जब आप होम मीटिंग करेंगे 1 मंथ, 2 मंथ होम मीटिंग करें, उसके बाद जल्दी वहां पे 15 डे बाद जब दोबारा जाएं तो वहां पे ओपन मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर 1-2 मंथ ओपन मीटिंग करें, उसके बाद सेमिनार करना स्टार्ट कर दें। सेमिनार करने के बाद उसके बाद आप वहां पे ट्रेनिंग सेशन करना स्टार्ट कर दें। ट्रेनिंग सेशन के बाद फिर आप वहां पे ओनली जो लीडर वहां पे होंगे उनकी काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दें। जब आप स्टार्ट करेंगे वन बाई वन प्लान करना, हो सकता है कि 2 विजिट में वो पर्सन वन बाई वन प्लान करना आप सिखा दें उसको, तो वन बाई वन प्लान उसको सौंप दें, उसके बाद बोले मैं होम मीटिंग करूंगा। हो सकता है अगले 2 विजिट में वो होम मीटिंग करना सीख जाए, फिर होम मीटिंग आप करना स्टार्ट कर दें, उसको सिखा दें, आप ओपन मीटिंग करना स्टार्ट कर दें। अगले 2 विजिट में वो ओपन मीटिंग करना सीख जाए, फिर आप सेमिनार करना स्टार्ट कर दें। अगले 2 विजिट में वो सेमिनार करना सीख जाए, फिर आप ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दें। अगले 2 विजिट में वो ट्रेनिंग करना सीख जाए, फिर आप काउंसलिंग मीटिंग करना उसका स्टार्ट कर दें। ऐसे करके एवरी मंथ आप टारगेट लें कि 1 स्टेशन तो हम ओपन करेंगे ही करेंगे एवरी मंथ, ऐसे आपके स्टेशन बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा आपके स्टेशन होंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। और कई बार हम मार खा जाते हैं एक जगह पे कि 1 स्टेशन के ऊपर 1 ही पर्सन को कॉल करते हैं, जब हम वहां पे कॉल करते हैं कम से कम आपके पास 1 स्टेशन के ऊपर 10 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनको आप कॉल करें, नहीं वो पर्सन उतना सीरियस नहीं होता जितने सीरियस आप होते हैं, तो बिजनेस जल्दी से ग्रो नहीं होता, राइट। टॉप 10 पर्सन वहां पे आपने छांटने हैं। 1 स्टेशन की डायरी मेंटेन करनी है
भी इस स्टेशन पे इतने लोग हैं, अगले स्टेशन पे इतने लोग हैं, कि डायरी के ऊपर आप अलग अलग स्टेशन के नाम लिखें, दस दस लोगों के नाम लिखें, सबको कॉल करें। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं मुझे 3 साल हो चुके हैं नेटवर्क करते हुए, मुझे 2 साल हो चुके हैं, मुझे साल हो चुका है, मुझे 5 मंथ हो चुके हैं। चेक कीजिए, ट्रेडिशनल कारोबार में हम 8 से लेकर 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, क्या आप नेटवर्क में एवरी डे 8 घंटे लगाते हैं? अगर आप 1 घंटा लगाते हैं तो ये मान चले 1 मंथ में आप मात्र 3 दिन काम करते हैं, 1 साल में 36 डे काम करते हैं। तो आप बोलिए लोगों को, क्या मुझे 1 साल तो साइन हो चुका है हुए हुए, लेकिन मैं 1 साल में 36 डे काम किया है। 1 साल मत बोलिए। और जैसे हम ट्रेडिशनल कारोबार करते हैं, ऐसे ट्रेडिशनल कारोबार अगर हमने करना स्टार्ट कर, जैसे ट्रेडिशनल कारोबार करते हैं ऐसे नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेंड अगले 90 डे में लाइफ चेंज हो जाएगी, बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन हम उतना काम नहीं करते जितना ट्रेडिशनल कारोबार में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट? तो अगली खुशखबरी क्या है कि हमारी कंपनी के जनवरी में, 15 जनवरी तक आइडिया है, 3 प्रोडक्ट और आ रहे हैं जिससे हमारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा और स्पीड से ग्रो होगा। और अगली खुशी की बात क्या है कि अभी कुछ ही दिनों में नया साल चढ़ने वाला है, तो एडवांस में पूरे इंडिया के मेरे रिनोवियंस हैं उनको मैं एडवांस में कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा। और टारगेट लें, हमारी जो क्लोजिंग है वो 1 जनवरी को होने जा रही है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आज की डेट में कि 1 जनवरी को हमारी क्लोजिंग होने जा रही है, नए साल डे वाले दिन, राइट? अब टारगेट ले क्या ले सकते हैं, और 1 जनवरी को जो क्लोजिंग होने जा रही है उसी दिन हमारा रिट्रीट क्लोज होने जा रहा है। जैसे कि अभी हम गुड़गामा में थे, हयात में रेजिडेंस में, और वहां पे सौरभ गोले जी के साथ मुलाकात करने का मौका मिला, बड़ा मजा आया। 1200 लोग थे वहां पे, इतना आनंद आया कि आप सोच ही नहीं सकते। जो दोस्त वहां पे गए थे वो जहां पे बता नहीं सकते कि कितना मजा आया, बता नहीं पाएंगे, बता के भी नहीं बता पाएंगे। वहां पे मैंने देखा कि हैंकी प्रेस करने का 60 रुपए था। आप सोच सकते हैं कि आम इंसान, नॉर्मल इंसान, हम जो मीडियम क्लास के पर्सन है, अगर हैंकी हम परचेज करते हैं तो कितने की परचेज करेंगे? वहां पे प्रेस करने का 60 रुपए था। जो 20 रुपीज की हम पानी की बोतल लेके पी लेते हैं, वहां पे 330 रुपए उसका रेट था, और एक चपाती का वहां पे 230 रुपए रेट था। आप बताइए मेरे को, तो होटल कैसा होगा? और 1200 पर्सन पूरे इंडिया से वहां पे हम एक साथ थे। थोड़ी सी मजाक की बात बताना चाहूंगा, जब नाश्ता कर रहे थे वहां पे सभी दोस्त, मैं साइड पे जाके रुक गया, देख रहा था मैं, और मैं देख रहा था एक दूसरे के पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं दोस्त। मैंने एक को पूछा, भाई आप इन्हीं के पीछे जो जो चीज उठाते हैं वहीं पे आप जाते हैं, क्या रीजन है? तो कुछ दोस्त बोल रहे हैं, सर हम 5 स्टार होटल में कभी आए नहीं है, नाश्ते में आइटम ज्यादा है, मुझे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी आइटम कब खानी चाहिए। ये जो इंसान आगे है, जो पढ़ा लिखा है, इसको मालूम है थोड़ा सा, हम इसके पीछे चल रहे हैं। बड़ा आनंद था वहां पे, जो जो उठाता है वही हम उठा लेते हैं। लोगों ने खूब रज के खाया, मस्ती मारी, और एक दोस्त को मैंने देखा कि एक ही प्लेट में 8 रसगुल्ले रखे रहते उसने। मैंने बोला, भाई 8 रसगुल्ले तूने एक ही साथ क्यों रखे हैं, दो दो करके भी खा ले, जितना भी खा ले यार, ऐसा क्यों? बोला, सर बड़े अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है। तो खूब इंजॉय वहां पे होता है। और जो रिट्रीट है हमारा, ये क्लोज कब होने जा रहा है? 1 जनवरी। तो आप एक ही टारगेट लें, आज ही चेक कीजिए कि हमारा रिट्रीट में कितना बिजनेस कम है। 4 दिन है दोस्त, ऐसे भी दोस्त हैं पूरे इंडिया में वहां पे जो आएंगे, जो बोलेंगे, सर मैंने 1 जनवरी को सुबह स्टार्ट किया था और 1 जनवरी रात को 11:59:55 पे मैंने रिट्रीट क्वालिफाई किया। क्यों? मैं ये जानता हूं कि जो भी हम टारगेट लेते हैं वो पूरा हो जाता है। टारगेट लेने का जज्बा होना चाहिए, उसके बाद जो परमात्मा है, वो सृष्टि है ना, वो टारगेट पूरा करने के लिए लग जाता है। और जो दोस्त का 2000 सीसी हो चुका है, जिनका 2500 सीसी हो चुका है, और जिनका 1500 सीसी हो चुका है,
उनके ब्रेन में जहां तक कई बार गलत सिम डल जाता है उसको निकाल दीजिए। क्या गलत सिम डल जाता है? कि रिट्रीट इस बार तो नहीं हो रहा, अगली बार करेंगे। मैं हैरान हूं कि उनको टेंशन है कि अगले 3 मंथ में हम ही करेंगे। मेरे भाई जे बोलिए, अगले 3 मंथ में 5 लोग लेके जाएंगे, 10 लोग लेके जाएंगे। सोच को बड़ा कीजिए। अगर 1500 सीसी भी हो चुका है ना, तो उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। 2000 सीसी हो चुका है, तो ये सोचिए 1000 सीसी अगले 4 डे में डालेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है। अगर आप टारगेट लेते हैं तो हो सकता है। और जो वहगुरु है, जो परमात्मा है, जो सृष्टि है, वो भी यही बोलती है, तथा अस्तु। अगर आपने सोच लिया बिजनेस रोकेंगे, अगली बार अकेले ही जाएंगे, वो परमात्मा यही बोलेगा, बेटा तथा अस्तु, तेरी टीम से कोई नहीं जाएगा, तू ही जाएगा अकेला। अगर आपने ये बोल दिया कि 31 अपना 1 जनवरी को 11:59:55 पे दुनिया की कोई ताकत नहीं है मुझे रिट्रीट करने से रोक देगी, अगर यहां से ये सोच लिया तो ये हो जाएगा। पता नहीं परमात्मा कहां से आपको पास लोग भेजेगा जो बोलेगा सर मैं तो 40 प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करना चाहता हूं। परमात्मा आपकी सपोर्ट तो करना चाहता है, लेकिन हम ही रोक देते हैं। हम छोटा सोच लेते हैं, यहां से वो बोलता है ठीक है, ये तो इसी में खुश है, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। इतना बड़ा सोचिए, इतना बड़ा सोचिए। परमात्मा भी बोले यार ये कैसा इंसान पैदा कर दिया, इतना लालची, इतना बड़ा बोल देता है, इसके लिए तो करना पड़ेगा कुछ। इतना बड़ा बोल दिया, इतना बड़ा दिल है इसका। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 2000 सीसी हो चुका है, 3000 होना टफ लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगली क्लोजिंग में डालेंगे। ऐसी गलती मत कीजिए मेरे भाई। अगली क्लोजिंग में तो 5 लोग लेके जाएंगे, अगली क्लोजिंग में तो 10 लोग लेके जाएंगे, ये सोचिए। और एक बात बताना चाहूंगा, जितने काम मैंने आपको बोले, होम मीटिंग करनी है, वीकली मीटिंग करनी है, सेमिनार करना है, LDP करनी है, ट्रेनिंग करनी है ना, सब ये करने हैं। लेकिन एक बात और बोलूंगा, जो काम नहीं करने वो गलती से भी मत करना। मान के चले कि आप गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते टाइम आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद सेल्फ मारने के बाद आप स्टेयरिंग पकड़ते हैं, ये डालते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, गाड़ी चलना स्टार्ट होती है, लेकिन हैंड ब्रेक खींच देते हैं तो गाड़ी सीज होने के चांस है मेरे भाई। हैंड ब्रेक खींच के एक्सीलेटर दबाते रहते हैं। कुछ ऐसे काम है जो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में जिंदगी में कभी नहीं करने चाहिए। वो कौन कौन से काम है जो आपको नहीं करने चाहिए? अगर वो करेंगे तो आपका जोर बहुत ज्यादा लगेगा। सबसे पहला जो काम है कि जब भी आपके पास बिजनेस आता है उसको कभी रोकना नहीं है मेरे भाई। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं मेरा डायरेक्टर 500 होगा, 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, फिर तो मैं बिजनेस को डालूंगा। अगर मेरा 400 सीसी होता है तो मैं अगले वीक में डालूंगा। आपका तो डायरेक्टर 500 हो जाएगा, लेकिन जो बंदे का फर्स्ट पे आउट बनना है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट, पहले तो नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे, हमें नेगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि पैसा नहीं आता, कंपनियां भाग जाती हैं, जो जो बोलते हैं मार्केट में, जो भी आता है उनके मन में, राइट? हमारे एंगेज्ड, क्योंकि उनको पता नहीं है कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है। जब तक किसी इंसान को नेटवर्क इंडस्ट्री समझ में नहीं आती, उसको कुछ पता नहीं चलता। जब समझ में आ जाती है तो वो कुछ और नहीं करता। गलती उनकी नहीं है जो आपको बोलते हैं, उनको पता नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगा, पैसा उसी काम में बनता जो लोगों को पता नहीं है, आपको एडवांस में पता चल जाए। लोगों के पीछे मत लगिए, राइट? और बिजनेस को मत रोकिए। क्यों? जब एक इंसान साइन होता है, उसकी ओनली 7 डे उसकी आजू होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में, 7 डे तक, क्योंकि 7 डे की क्लोजिंग होती है, 7 डे तक वो जिंदा रहता है। वो कॉल करता है ज्यादा से ज्यादा को कि इस बार का मैं चेक बनाऊं, मेरा 100 रुपए का चेक भी आ जाए, मैं अपनी माता को दिखाना चाहता हूं, मेरे फादर को दिखाना चाहता हूं, मेरी मैडम को दिखाना चाहता हूं, देखिए कि आप बोलते थे कि इसको काम को मत करिए, मैंने किया, मेरे को 500 का चेक आ गया, मेरे को 200 का चेक आ गया, मेरे को 100 का चेक आ गया। और
नेटवर्क इंडस्ट्री में जब पहला चेक होता है ना, भले वो 100 रुपए का हो, उसकी जो खुशी होती है ना वो करोड़ों से ऊपर होती है। अगर आपने किसी भी एसोसिएट का बिजनेस रोक लिया, उसका चेक नहीं आया, तो घर वाले पूछेंगे कि भाई बताओ आपका चेक कहां पे है, तो बोलेगा चेक तो नहीं आया। अब उसको क्या मालूम कि जो मेरा सीनियर था उसने बिजनेस ही नहीं डाला, तो उसके फादर साहब क्या बोलेंगे, बेटा मैंने बोला था ना इन कामों में कुछ नहीं निकालने के लिए, राइट? तो वो चेक नहीं दिखा पाएगा। अगर एसोसिएट चेक नहीं दिखाएगा तो डायरेक्टर 100 ऊपर नहीं बनेगा, कोई भी रैंक क्वालिफाई होने वाला नहीं है। तो आपने कभी भी बिजनेस नहीं रोकना, ये पहला आप पढ़ लीजिए। दूसरा, कोई भी नया काम आपके ब्रेन में आता है कि यार कोई नया काम हो सकता है कि आपके ब्रेन में आए, मैं तो पूरे शहर में लॉसमेंट करा देता हूं। कई बार मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं पार्क में बैठे होते हैं, उनके पीछे स्टैंडी लगी होती है, स्टैंडी पे क्या लिखा होता है, 600 बीमारियों का एक ही इलाज, रिनाडोसनोवा। मेरे भाई हम डॉक्टर नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, हम किसी बीमार को ठीक नहीं करते, राइट? हमारा जो प्रोडक्ट है, तंदुरुस्त लोग खाएं तंदुरुस्त की जिंदगी जी सकते हैं। अगर कोई उसको डिसीज है वो खाएगा, उसको फायदा हो जाएगा, अपने बता देगा वो, राइट? ऐसा मत लिखिए, हम डॉक्टर नहीं है। कोई भी आपके ब्रेन में ऐसा पॉइंट आता है नया, राइट, तो अपनी अपलाइन से एक बार डिस्कस जरूर करें और किसी की भी ईगो को ठेस मत पहुंचाएं। कई बार क्या होता है कि किसी दोस्त को हम बताने के लिए जाते हैं, वो 5,000 की जॉब कर रहा है, 10,000 की जॉब कर रहा है, हम बोलते हैं सर यहाँ पे इतना पैसा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़िए मत, उसी से उसके घर का खर्चा चल रहा है, उसी पैसे से जो उसको आ रहा है उसके बच्चों की फीस भरी जा रही है, राइट? उसके जो छोटे छोटे ड्रीम है जो भी है वहीं से पूरा हो रहे हैं, जो उसकी जरूरत है वहीं से पूरा हो रही है। आप उसको बोलिए सर आप 10,000 कमा रहे हैं, अगर आप रिनर्स बैलेंस को हमारे साथ साइन कर लेते हैं तो 4,000 जहां से आ जाएगा, 5,000 से आ जाएगा, तो आपको 15,000 करना स्टार्ट हो जाएगा। ईगो को ठेस मत पहुंचाइए। और जो सबसे लास्ट में बताना चाहूंगा, जो जिंदगी में कभी मत करना था, कभी भी कोई नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन या अपनी क्रॉसलाइन के साथ मत करें, क्योंकि जो डाउनलाइन है वो आपके बच्चों की तरह है, राइट? उनके साथ नेगेटिव बात मत करें। आप सोचिए कि आज जितनी भी नेगेटिव बात आपकी पूरे डे में होती है, कि अपने घर पे आके बच्चों को बताते हैं, आप अपनी मैडम को भी नहीं बताते, क्यों? उसका भी मन खराब हो जाएगा, बच्चों का मन खराब हो जाएगा। तो नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन के साथ मत करें, राइट? मैं तो बोलूंगा नेगेटिव बात किसी के साथ ही मत करें, फायदे नहीं है कोई नेगेटिव बात करने का। इन शब्दों के ऊपर ही आपकी जिंदगी टिकी है, इन शब्दों के ऊपर, इन थॉट के ऊपर आपकी जिंदगी टिकी है। जैसा बोलेंगे वैसा बन जाएंगे, नेगेटिव बोलने नहीं चाहिए, राइट? और सॉरी, तो डाउनलाइन के साथ, क्रॉसलाइन के साथ नेगेटिव बात मत करें। और सबसे जो जरूरी और एक बात बोलना चाहूंगा कि अपने बिजनेस की चर्चा जो सबसे अहम है, जो बहुत सारे दोस्त करते हैं, क्रॉसलाइन के साथ करते हैं। फ्रेंड, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, जो आपकी अपलाइन है उसको अपना गुरु मान लीजिए। आपकी अपलाइन में 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, जितने भी पर्सन है उनमें से 1% जरूर पकड़िए, जिसके साथ पूरी ट्यूनिंग आपकी फिट बैठ जाए। सबके साथ नहीं बैठेगी आपकी ट्यूनिंग फिट, एक को पकड़िए, उसके साथ टोटली लाइफ की बातें शेयर कर सकते हैं, उसको अपना गुरु मान लीजिए। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। लेकिन जब आप क्रॉसलैंड के साथ बात करेंगे, जो आपकी क्रॉसलैंड है वहां की जो अच्छी बातें हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उनके भी वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको बताने वाले नहीं है। तो आपको लगेगा कि इनकी टीम में ये हो रहा है, इनकी टीम में वो हो रहा है। मैं अजीब सी बात बोलूंगा यहाँ पे, सुनने के लिए अजीब लगेगी लेकिन अच्छी बात है। मान के चलो किसी लड़के की शादी हो जाती है और रिश्ता फिट नहीं बैठता। हमारे इंडिया में रूल है, कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है, कोई फॉर्म बना हुआ है,
कोई अदालत बनी हुई है कि वो उसको तलाक दे के दूसरी शादी करा सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी अपलाइन को छोड़ने का रूल नहीं बना, राइट? अगर चले भी जाएंगे तो दोबारा फिर वहीं पे बसना पड़ सकता है। तो इसलिए क्रॉस लैंड के साथ कोई भी नेगेटिव बात मत करें, अपनी टीम के साथ जुंटी बनाएं। अगर आप जुंटी बना के चलते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक माहौल क्रिएट करें। एक मैं बात बताना चाहूंगा कि जो सृष्टि है ना, जब बहुत सारे लोग एक ही बात के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं वो संभव हो जाती है। तो आप टीम के साथ जुंटी बनाएं, पूरी टीम एक ही बात सोचे आपकी, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी मैं जितने मेरे रिनोवियंस पूरे इंडिया में हैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 1 जनवरी को हमारी क्लोजिंग होने जा रही है। जो पर्सन डायरेक्टर 100 है वो टारगेट ले कि डायरेक्टर 250 होऊंगा। जो 250 है वो जहां से ब्रेन से सोचे कि 1 जनवरी रात को 11:59:55 पे मैं 500 हो जाऊंगा। जो 500 है वो सोचे मैं 1000 हो जाऊंगा। और जो डायरेक्टर 1000 है वो सोचे मैं एग्जीक्यूटिव होऊंगा। एक बार पूरा इंडिया जितने रोवियस है ये बात सोचिए, अगर 100% के सोच लेंगे तो ये हो जाएगा। और जितने भी दोस्तों का रिटीट में 500, 300, 700, 1000, 1500, 2000 सीसी कम है, एक बार जहां से सोचना स्टार्ट कीजिए कि ये मैं करना चाहता हूं, रात के 11:59 तक आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखिए और 11:59:55 पे आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का तजर्बा किया हुआ है कि जो आप सोच लेते हैं ना, 100% सोच लेते हैं, तो सृष्टि वही काम आपके लिए करना स्टार्ट कर देती है। आपके लिए सबसे जो टफ काम है वो अपने आप को खुद को मनाना है। लोग तो मानने पड़े हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको फेल कर दे। एक ही इंसान है जो आपको फेल कर सकता, वो है आप खुद। कोई आपको फेल नहीं कर सकता, राइट? इसके ऊपर पता नहीं कितनी स्टोरियां पड़ी हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज आपसे भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। तो आपको यही बात बोलूंगा, 1 जनवरी 11:59:55 पे एक ही बात बोलिए, दुनिया क्योंकि ताकत नहीं है जो मुझे रैंक क्वालिफाई करने से रोक दे, और दुनिया क्योंकि ताकत नहीं है मुझे रिडिट क्वालिफाई करने से रोक दे। ये ब्रेन में फिट करके चलिए। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा टोटली मेरी ग्रेट अपलाइन हेल्पलाइन टोटल जितनी भी है सबका, मिस्टर तापसी विश्वास जी का, मिस्टर सुमित देवनाथ जी का, और मेरे दादा मेरे गुरु मिस्टर सुब्रतो दत्ता जी का, और इंडिया के गॉड फादर मिस्टर विकास श्रीवास्तव जी का, और टोटली मैनेजमेंट हमारी कंपनी की, और हमारी कंपनी के मिस्टर CMD मिस्टर सुनाकर नायक जी का, और टोटली जो मिस्टर रोहित सर का, जितने भी मेरी कामयाबी में दोस्त हैं सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगा। उसके बाद अगर आप ना होते तो मैं भी ना होता। जो मेरी लवली टीम है, एक एक पर्सन ने जितना भी काम किया, आपकी बदौलत मैं हूं, राइट? आपने मेरे को इस लेवल पे पहुंचाया, आपका भी दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। रॉकिंग प्रिनाटस।